हमारे एक सवाल का बिल्कुल सच्चा जवाब चाहिए हमें। कौन सा सवाल? उस छोकरे रवि भटनागर को कब से जानते हो तुम? कहाँ मिली थी उसे? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? जी हाँ, उसके बाद वो आपसे मिलवाने आपके घर लेकर आया था। आप ही ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी कि रवि के साथ साथ उन लड़कों को भी पास करवा दिया जाए जो आपके इलेक्शन में मदद कर रहे थे। एग्जाम में पास करवाने के लिए कहा था हमने, याराना करने के लिए नहीं कहा था। आपको गलतफहमी हो रही है गणेश जी, उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है तुम्हारा उसके साथ? कोई रिश्ता नहीं है? फिर मेरी रंजना कह के संबोधित करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हो इसकी? वो नशे में था। बहुत खूब, वो नशे में था। देखो, हम कभी नशा किया नहीं हूं, लेकिन ये बात सुनी जरूर है कि शराब पी के आदमी झूठ नहीं बोलता। हमें लगता है छोकरा भी सच ही बोल रहा था। विश्वास करने की बात है गणेश जी, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, ये तो आप पर निर्भर करता है। वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ी हो, बढ़िया उदाहरण देती हो, लेकिन हम तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूं। जब तक हमारे मन का शक दूर नहीं होगा, हम तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मत कीजिए विश्वास। अगर आपको ये शक है कि मेरा उस लड़के के साथ कोई रिश्ता है, अगर आपको ये गलत फहमी है कि मैं आपको झांसा दे रही हूं, आपसे मैं फायदा उठाना चाहती हूं, तो मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहूंगी। बस अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद बहुत कच्ची और खोखली निकली है। ओ, ये क्या तरीका है? जब देखो इतने मोटे मोटे आंसू बहाना शुरू कर देती हो। गणेश जी, अगर मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय देवा। अरे वो रंजना जी, तनिक हमारी बात तो सुनिए। राजी बड़ो आदमी, इश्क मुश्क की बातें अपने पल्ले बहुत देर से पड़ती हैं।